हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑन जापान। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं स्टूडेंट के लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। जो हमारे फॉरेन स्टूडेंट हैं, जो जापान में स्टडी करना चाहते हैं, जापान में पढ़ना चाहते हैं, तो जापान गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसो, जिसके थ्रू ये लोग वर्चुअल एक सेमिनार लगा रहे हैं। उसमें आपको 110% जो है आपको एडमिशन फ्री होगा दोस्तों। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है कि जितने भी फॉरेन स्टूडेंट हैं इसमें आप भाग ले सकते हो। इसकी जो वर्चुअल वेबिनार है वो उसमें आप भाग ले सकते हो। मैं वर्चुअल वेबिनार का जो लिंक है वो आपको कैसे क्लिक करना है, लिंक को कैसे गेट करना है, मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आप इजीली उसे क्लिक करें और पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ें। आपको ये पता चले कि यहाँ पे किस किस इंस्टीट्यूशन का जो है, किस किस कॉलेजेस का जो है, यहाँ पे कौन जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट जो लैंग्वेज जैपनीज लैंग्वेज वगैरह सिखाती है, कौन इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, आपको पूरी डिटेल जो है उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी दोस्तों। वैसे मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि जो स्टडी इन जापान वर्चुअल फेयर 2021 है दोस्तों, ये अगस्त 21 तारीख को, 29 तारीख को यानी कि सैटरडे एंड संडे, और सितंबर 4 तारीख जो सैटरडे को पड़ता है, 3 दिन होगा दोस्तों। और जो टाइम होगा दोस्तों वो जापान का जो टाइम होगा 12 बजे यानी कि दोपहर को 12 बजे से लेके 1 बजे तक, और जो सेकंड होगा वो शाम को 3 बजे से लेके 4 बजे तक होगा दोस्तों। ये मैं जापान का टाइम बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अपने कंट्री अपने अपने देश से कैलकुलेट कर लें कि 3.5 घंटे का 4 घंटे का फर्क होगा, जो भी आप उसको मैनेज करना और उसे अटेंड करना दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है दोस्तों कि आप लोगों को ये मौका मिलेगा कि फ्री में एडमिशन होने वाला है। मतलब बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, मतलब आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों अगर आप जापान में स्टडी करते हो तो ये सिचुएशन जो है आपको एक ये जो वर्चुअल फेयर है ये आप लोगों को बहुत ही एक अच्छा मौका दे रही है दोस्तों। आप लोग प्लीज़ इस मौके को बिल्कुल ना गंवाएं। जो मेरे स्टूडेंट हैं या फिर जो स्टूडेंट होना चाहते हैं जापान में, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है दोस्तों। तो जाइए इस लिंक पे, क्लिक कीजिए इस लिंक पे और पूरी डिटेल को आप जानिए समझिए, फ्री में रजिस्टर्ड कीजिए, फ्री में एडमिशन कराइए अपना, और पढ़िए, चाहे वो लैंग्वेज पढ़िए या फिर कुछ भी कोर्स कर सकते हो आप। इसमें अंडर ग्रेजुएट भी है, ग्रेजुएट भी है ना, नर्सिंग है, MBBS है, इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल्स हैं, बहुत सारी चीज़, मतलब 100+ जो है इंस्टीट्यूशन और जो है यहाँ की यूनिवर्सिटी है वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रही है दोस्तों। तो बहुत ही मतलब एक्साइटिंग, मतलब मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को बताते हुए कि जितने भी स्टूडेंट हैं फॉरेन इंडियन नेशनलिटी, पाकिस्तान नेशनलिटी या बांग्लादेश नेशनलिटी, जो भी है एशिया में जो हिंदी भाषी, जिनको हिंदी समझ में आती है, मैं उसके लिए भी स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग जाएँ और इस लिंक पर क्लिक करें, पूरी इन्फॉर्मेशन लें। लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यदि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है किसी कारण से, अगर लिंक ओपन नहीं होता है, तो कॉन्सुलेट ऑफ जापान जो मुंबई की है उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे ये बिल्कुल शो किया हुआ है। ये जापान की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जो ये फेयर कर रही है, मतलब वर्चुअल फेयर कर रही है एजुकेशन बेस्ड को लेके। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। बाय बाय।